हिम्मतनगर जिले की कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के कड़जहवा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मामला बीती रात का है, जब प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने पर ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई। उसके आधार पर वाहन चेकिंग शुरू की गई और तभी एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा करने पर वो पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों अपराधियों को दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में उपचार कराया गया। साथ ही साथ पुलिस कपिलवस्तु थाने में मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देशी तमंचा, एक चाकू, दो खूंखार कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी मिला है। इनके आपराधिक कृत्यों के बारे में नजदीकी जनपदों से सूचना मांगी गई है। इनमें से एक रउआब अली, जिस जिले के बर्डपुर नंबर एक का, वहीं अब्दुल फफा वर्डपुर के कस्बा अलीगढ़वा निवासी हैं। दोनों के खिलाफ कपिलवस्तु थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। देखिए, सिद्धार्थ नगर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। ये कल दिनांक 20 जुलाई को थाना कपिलवस्तु क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले, इसमें ग्रामीण की सूचना पर तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया गया और सुसंगत धाराओं में कपिलवस्तु थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें एक व्यक्ति को शक के आधार पर नामजद किया गया और एक व्यक्ति को अज्ञात में बताया गया। पुलिस द्वारा पूरी मेहनत के साथ काम करते हुए और स्वॉट टीम और हमारे स्थानीय पुलिस की टीम के संयुक्त प्रयासों से हमारे द्वारा जो मुजरिम था उसको ट्रेस किया गया, उसके बारे में जानकारी हासिल की गई और मुखबिर की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हम अपना चेकिंग अभियान चला रहे थे कि सूचना मिली कि वह व्यक्ति भागने के फिराक में है और मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए। पुलिस को देख के उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया। इसमें एक व्यक्ति जो मेन एक्यूज है हमारा रुबाब, उसके पैर में गोली लगी। मौके पर ही दोनों एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से हमारे को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि उनकी घटना में उनकी संलिप्तता को बियॉन्ड डाउट प्रूव कर रहे हैं। उनसे पूछताछ जारी है, इसके पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह कपिलवस्तु नेपाल डिस्ट्रिक्ट से भी मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है। उनके आपराधिक इतिहास के बारे में आसपास के जिलों से और बाकी थानों से भी सूचना संकलित कराई जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ? उनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और 312 बोर और जो दो दगे हुए कारतूस, उसके अतिरिक्त जो एक मोटरसाइकिल जो उन्होंने क्राइम में यूज़ किया था और एक चाकू जिससे उन्होंने अपने क्राइम को अंजाम दिया था। मेठी में लगातार पुलिसिया कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार सुनती नहीं है और पुलिस है कि मनमानी पर उतारू रहती है। ऐसा ही एक और मामला मेठी जिला और तहसील क्षेत्र के संग्रामपुर थाना अंतर्गत गांव शुकलपुर में देखने को मिला, जहां पर पूर्व में जमीनी विवाद को लेकर पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही न करने के चलते मन बढ़े हुए दबंगों ने 21 जुलाई की शाम को लगभग 7:30 बजे अचानक लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर भारतीय सेना में देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक के 55 वर्षीय पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्र की पीट पीट कर हत्या कर दी और घर की महिलाओं को भी मारा पीटा। यही नहीं, सैनिक की जो भाभी गर्भवती है उनके पेट में भी मारा, जिससे उनकी भी हालत खराब हो गई। इसके चलते समूचे गांव में दहशत फैल गई है। मौके पर पहुंचे सैनिक ने आनन फानन में तत्काल अपने पिता को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने चेक करते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना लगते ही मौके पर गांव में कई थानों की भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंची पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने परिजनों से जानकारी ली, जिसके उपरांत उन्होंने गांव में घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक राजेंद्र प्रसाद मिश्र के शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के पुत्र की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं भारतीय सेना के जम्मू के पुंछ सेक्टर में तैनात मृतक के पुत्र सूर्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि आज घर पर नहीं थे हम, तभी हमारे पड़ोसियों ने पिताजी को घर में घुसकर मारा और महिलाओं को भी मारा। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी अशोक कुमार, वागीश कुमार, चंद्रभान, गौरव और सत्यम ने मिलकर पिता को बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं खुद देश की सेवा करता हूं, देश का जवान हूं, मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता तो मैं देश के लिए क्या करूंगा। आज मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है इस बात के लिए कि मैं पूरे देश की रक्षा करने वाले अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा हूं।
हमें प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो और सभी 6 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो। अगर सबकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी के चिकित्सा अधिकारी अमेठी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र शुक्लपुर थाना सिंग्रामपुर के रहने वाले हैं। मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए थे, जहां अस्पताल लाते समय रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। यहां जब पहुंचे तो मौत हो चुकी थी, उनको ब्रॉड डेड लाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक गांव शुक्लपुर है, जिसमें राजेंद्र मिश्रा जी हैं। ये अपने घर की दीवार की तराई कर रहे थे प्लास्टर करने के लिए। उसी के इनके बगल में कुछ घर में कुछ लोग थे, जिनके द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आईं और जैसे ही वो यहाँ सीएचसी अमेठी में लाए उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कहा कि इस प्रकरण का संज्ञान लेकर सभी लोग मौके पर आए हैं। घटनास्थल पर मेरे द्वारा पहुंचकर निरीक्षण किया जाएगा और ऑफिसर को बुलाया गया है। तहरीर मिलते ही हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। मेरा नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा, मैं इंडियन आर्मी में तैनात हूँ। मैं पुंछ में हूँ। समस्या आज हम घर पे नहीं थे, हमारे पिताजी को मार दिए हमारे पड़ोसियों ने, घर में घुस के धारदार हथियार से मार के लिटा दिए और महिलाओं को भी मारा। हमारे घर में कोई था नहीं सर, विवाद ही था कि हमारा दीवार प्लास्टर हो रही थी, उसके बीच में कोई था नहीं। उसी बीच हमारे पड़ोसी 6-7 लोग थे, अशोक कुमार, वागीश कुमार, चंद्रमान, गौरव, सत्यम, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने इसके पहले भी काफ़ी बार की बात हुआ, पुलिस को मौका दिया गया, ये नहीं, कोई सूचना नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं था। आज एक बैग हमारे घर के ऊपर चढ़ के हमारे छत पे हमारे घर में घुस गए, हमारे घर में कोई नहीं था, इसने हमारे पिताजी को मार दिए। अभी हमारे पिताजी स्पाइल हो गए। मैं खुद एक देश में सेवा करता हूँ, मैं खुद एक देश का जवान हूँ, मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता तो मैं देश के लिए क्या करूँगा। मुझे यार बहुत शर्म महसूस हो रही है इस चीज़ के लिए कि मैं देश की रक्षा करने वाले मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए हमें प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़े जाए तुरंत 6 के 6 लोग। अगर नहीं होता तो मैं आत्महत्या करूँगा। गाँव है संग्रामपुर थाना क्षेत्र, उसी में राजेंद्र मिश्रा जी हैं। ये अपने घर की दीवार पे तिराई कर रहे थे प्लास्टर करने के लिए, उसी में इनके बगल के घर के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा उन पर हमला किया गया और उनको गंभीर चोटें आई और चोटों के सीक्वेंस में ही वो जैसे सीएचसी यहाँ मिट्टी में आए तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकरण का संज्ञान लेकर सभी हम लोग मौके पर आए हैं और इसमें अभी घटनास्थल भी मेरे द्वारा जाकर निरीक्षण किया जाएगा और FSL को भी बुलाया गया है। तहरीर मिलते ही हम लोग इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेंगे। जी, ये मिस्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हैं, ठेंगहा सुगुलपुर के निवासी, और मारपीट में शायद घायल हो गए थे और यहाँ पे ब्रॉड डेड लाए गए। नहीं, ब्रॉड डेड मृत अवस्था में लाए गए। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर मेडिकल एजेंसी में डाका डाला। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में टीमें गठित कर फरार बदमाशों की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन के महावीर चौक के पास एक मेडिकल एजेंसी पर दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने मेडिकल एजेंसी में कार्य कर रहे कर्मचारियों को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल एजेंसी मालिक सुबह किसी काम के सिलसिले में एजेंसी पर कर्मचारियों को छोड़कर चले गए थे। एजेंसी पर कार्य कर रहे कर्मचारी को बाइक पर आए 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर डरा धमका कर और घायल कर एक तरफ बैठा दिया और वहां पर रखा हुआ कैश लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना को लेकर SP सिटी सतपाल अंतल ने बताया कि थाना सिविल लाइन के महावीर चौक के पास मेडिकल एजेंसी है, जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई। वहां पर 3 लोगों द्वारा मेडिकल एजेंसी में घुस गए और जो कर्मचारी थे उनको चाकू की नोक पर डरा धमका कर घायल कर बैठा दिया गया और रुपये लेकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का निरीक्षण किया। जांच में 4 टीमें गठित की गई हैं और 7-8 जगह का CCTV फुटेज भी प्राप्त किया गया है। इसमें अलग अलग फुटेज में तीनों आरोपी आते जाते दिखाई दे रहे हैं। आशा है कि इसमें 100% रिकवरी के साथ इसका वर्कआउट करेंगे। मामला अभी चुनाव के लड़का
थाने में चला गया था। मैंने आधार कार्ड को लिंक करवाना था मोबाइल से, उसका फॉर्म लेने के लिए भेजा था। तो मैंने उससे कहा था मैं तुम जब तक ये सफाई करेगा तुम जाके फॉर्म ले आओ। इससे दो तीन दिन तक वो जा रहा था, कभी लेट हो जाता था कभी। उसका वहाँ पहुँच के फ़ोन आया मेरे पास कि यहाँ तो भाई साहब 10 फॉर्म मिलेंगे जो लगभग 20-25 लोगों की लाइन है। तो मैंने कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ। उसने वापस जब यहाँ आया तो आने के बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पर कोई 2-3 लोग आए थे और जो यहाँ लड़का था विशाल उसको चक्कू मार गए। मैंने कहा तो तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैं आ रहा हूँ। तो फिर 2 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन आया कि भाई साहब ये तो गल्ला भी उखाड़ के ले गए। उसके बाद में फिर तब तक मैं पहुँच ही गया था। मैंने उनसे बोला पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस में 108 या फोन नंबर मिला है, उनसे डायरेक्ट जाना थी, वो इन्फॉर्म कराया कि सारा 15-20 मिनट के बीच में आए आकर के उन्होंने लड़के को जाकर दिखा करके और गल्ला लिखा और चले गए। 10 मिनट से लेकर लड़का एक ऑफिस में था, विशाल है, उसको मतलब मारा नहीं है चक्कू, वो कह ही रहा था सिर्फ चक्कू दिखा के डराया है। उसका कहना है कि मुझे डरा के बांध के यहाँ बैठा दिया और बैठा करके उन्होंने ये सारे सब ड्रॉर वगैरह सारी चेक करी। उसके बाद में उन्होंने उसको तोड़ा सरिये से, वो बता रहा है तोड़ा, तोड़ने के बाद में बैग में सारा कैश रख दिया। कैश 1.5 से 2 लाख के बीच हो गई। पहचान कोई पहचान है नहीं, वो बता रहा है कि रुमाल बांधा हुआ था, बाकी मास्क आजकल सब लगाए हुए हैं। CCTV कैमरा नीचे देखा था लेकिन हमारी कोई पहचान भी नहीं आया कौन थे कौन नहीं थे। तो आगे जो भी काम हुआ ऐसा तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, संदेह है। लेकिन अब जो भी कुछ हुआ है घटना कितना किसी को इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि किस समय आते हैं किस समय जाते हैं, कैश इकट्ठा होता है, तो कोई ना कोई या तो पहले से रेक्सी कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है जिसमें उसको तो वही हो। देखिए अधिकारियों के द्वारा किया गया और साथ में ही हमारी GRP भी इसमें लगाई गई है, जिसमें से हमारी क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन क्राइम ब्रांच और इसमें देखिए अभी तक उनके द्वारा कैलकुलेट किया जा रहा है ये करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का। अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल संयुक्त हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। 28 वर्षीय युवती से अस्पताल कर्मी ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। अलीगढ़ निवासी युवती गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीते 19 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में भर्ती है। युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद हरकत में जिला प्रशासन ने एक टीम CMO अपर नगर मजिस्ट्रेट और DSP की बनाकर दीन दयाल संयुक्त चिकित्सालय भेजी। जांच कर लौटी टीम ने DM को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी देते हुए DM अलीगढ़ ने बताया कि दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद वहाँ हॉस्पिटल में एक टीम भेजकर जांच कराई गई है। आरोपी डॉक्टर को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। गिरफ्तारी के लिए टीम वहाँ बैठी है, जल्दी गिरफ्तारी करनी है। और खुद ही जो आवेदक आए थे वहाँ पर ऑफिस में उनको खुद से माना किया था, मरीज को लेकर के आने लेकिन खुद ना कि खुद ही अपना रिश्ता है ये गलत है, उनको समझा दिया गया था और उनको गिरफ्तारी करने के लिए हमारे टीम वहाँ लगा दी। आपसे भी अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं थोड़ी प्रेरित करिए कि इसमें कैसे घटना का करें। थैंक यू। हाँ, ये हम लोगों के संज्ञान में आया है कि एक डॉक्टर है वहाँ पे, उन्होंने महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ की है
पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाके जांच की है, घटना सही पाई गई है, उसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर तुफैल है कोई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नहीं, प्रयास किया, छेड़छाड़ है, छेड़छाड़ प्रयास किया गया। पूरा मामला बदायूं जिले के थाना विसौली का है, जहां ग्राम लक्ष्मीपुर में पूर्व में हुई हत्या की फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने सेंजा खेड़ा रेलवे फाटक के पास से कड़ी मशक्कत के बाद मैं हथियार की गिरफ्तार कर लिया है। ये काफी दिनों से फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 25,000 के इनामी बदमाश शमसुल उर्फ करुआ निवासी लक्ष्मीपुर को थाना प्रभारी पंकज लवानिया, उप निरीक्षक ब्रजकिशोर, उप निरीक्षक जाकिर अली इत्यादि ने विसौली ने सेंटा खेड़ा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसने अपने साथी वसीम निवासी लक्ष्मीपुर के साथ मिलकर छोटे अभियुक्त पुत्र अब्दुल वहीद निवासी लक्ष्मीपुर की हत्या रुपये के लेन देन के कारण की थी। अभियुक्त वसीम को आज रेलवे स्टेशन दफ्तोरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार सलीम उर्फ करुआ की निशानदेही पर आला कत्ल, एक तमंचा और 315 बोर बरामद किया गया है। देखिए बदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जैसा कि विसौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, आज कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, क्या क्या मामले में ये फरार चल रहे थे? जी, ये 25,000 का इनामी कहाँ से गिरफ्तार किया गया? 25,000 का इनामी सबको मालूम है, ये सेंटर खेड़ा फाटक होता है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। और जो उसका सहयोगी है, उसके अंदर आदमी है, जो सेंटर खेड़ा गिरफ्तारी के बाद क्या विसौली पुलिस ने गिरफ्तार किया? इसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात थी,